और इसकी बारात है, ऊर्जा संभाल लो। बम बम अब यहाँ क्या रखा है, चल भाग। नहीं, मैं मॉरिस को खत्म किए बगैर नहीं जाऊंगा। तेरी कहानी अब खत्म हुई लाल, चल अब उसकी बारी है। नहीं, देखा, मरने के लिए हिंदुस्तानियों को आगे किया है। भाग बगीरा, मैं इधर संभालता हूँ, तुम गाड़ी की ओर जाने की कोशिश करो। भाग तो भूल गया कमिश्नर मॉरिस, तूने कितनी मासूम जिंदगियां बर्बाद। I'm not Morris. I'm Dr. Bailey. आप लोग आज इधर कैसे? भाई सेशन की बैठक में आए थे और आपसे मिले बगैर लौट जाए, ऐसा हो सकता है भला? सोच लो, अगर हम लीगियों की बैठक में कांग्रेसियों ने इन्हें देख लिया तो बिरादरी से बाहर कर देंगे। अरे भाई अंजार, कांग्रेसियों के लिए जलेबियां ले आओ। नहीं हुजूर, तोहमत न लगाइए हम मुस्लिम लीगियों पर। अरे भाई, सन 18 से सन 24 आ गया, आज पहली बार हम कांग्रेसियों से अलग बैठे हैं। यही तो मसला है हुसैन साहब की, आखिर क्यों? अब इतने भोले न बनो ठाकुर, इन सहाय साहब से ही पूछ लो। खैर छोड़ो देश की बात, अपने इलाहाबाद की खबर लो। हमें गालियां बरसती हैं और हिंदू महासभाओं को कोई कुछ नहीं कहता। देखिए हुसैन साहब, आप तो जानते हैं कि कांग्रेस का इन हिंदू महासभा के लोगों से कोई संबंध नहीं। एक ही आदमी दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर तकरीरें कर रहा है। अभी पिछले दिनों मैं बनारस गया था, सर चकरा गया मेरा। कौन कांग्रेसी, कौन हिंदू महासभाई, फर्क करना मुश्किल हो। आप तिल का ताड़ बना रहे हैं हुसैन साहब। अब आप जैसे पुराने कांग्रेसी के मुँह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं हुसैन साहब। हमें तो लीगी तुम कांग्रेसियों ने बनाया है, ये बात मैंने बनासी दास से कही तो साहब हंसने लगे। हंसी रुकी तो फरमाया बापू से बात करेंगे। अब भला चोरी चोरा के बाद बापू किसको से बात करेंगे? अगर कांग्रेस का यह हाल ना होता तो इस देश का नौजवान बम और गोलियों का खेल हरगिज न खेलता। प्रयाग कैसे हुआ भला? इतने मुसलमान बसे हैं। आपके लिए प्रयाग और उनके लिए इलाहाबाद, जब देखा जरूरत पड़ी शहर उसी का होगा। लो सुनो इनकी, माने ये भी जाके संग में डुबकी लगा ले। जो 4 साल पहले खिलाफत के जमाने में बड़ा मेल मिलाप रहा सरकार। सुना, अगर घाट पे बैठे तुम्हारी तरह धान और मक्की का हिसाब करते रहे तो मिल गई देश को आजादी। हमारा तो सर फटा जा रहा। बहू तुम इतनी चकर मगर नहीं करोगी ना तो भी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम स्कूल पाठशाला गई हो। हमारी तरह देहातन नहीं, अब बस भी करो।
लीला देखिए माता की, क्या बीचों बीच सड़क पर आसन जमाए बैठी है। इस सफर से हमारा माथा ठंडा रहा है पंडित। हम सोच रहे हैं कि कुएं के ठंडे पानी से स्नान और हवेली के पलंग पर 2 घंटे की नींद, और तुम गौ माता के आसन शीर्षासन से हमारा माथा और ना ठंडा हो, समझे? अबे हंस क्या रहा है, उतर के जाके गौ माता बैठा हमारा मुंह का ध्यान कर रहा है। अरे हॉर्न बजाओ ना। महाराज आपसे एक विनती है, ठंडे पानी के स्नान तक तो ठीक है, फिलहाल आप हवेली और हवेली के पलंग को भूल जाएं। मैंने ठहरने के लिए एक अच्छी सी धर्मशाला का इंतजाम किया है। तुम पगला गए हो पंडित, हम और धर्मशाला में ठहरेंगे? महाराज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जब तक ये मेम वाला मामला सुलट ना जाए ना, आप जनता और हवेली दोनों से दूर रहें तो अच्छा है। अरे फजलवा आ ना, चल बैठ, चल भैया। क्या जरूरत थी इसकी, आए? घर में पेटी संदूक कहे को खरीदा गया है, इसलिए कि चिरा लेकर घूमो और हमारी नाक कटवाओ? तीरथ के काज से आए हो, जरा मर्यादा का ख्याल रखो। और क्या बुरी बात है इसमें? अरे इच्छा का जितना मर्दन करोगे प्रभु उतना ही सम्मान करता है, यही तीरथ है, यही मुंह टाप कर रखो, गुस्सा ना दिलाओ। अच्छा होता तुमको मोटर से उतार कर पैदल तीरथ करवाते। हम तो पैदल चले आते, हम तो ये पूछ रहे क्या जरूरत थी इतने बड़े होटल में ठहरने की। होटल नहीं है, शालीग्राम खत्री का धर्मशाला है, और हम तो सोचते हैं कानपुर लौट के अपने नाम का भी एक दो। सुनो 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 मेवा, हमारी बात कान खोल करके सुन लो, अगर लक्ष्मी का इतना अनादर करोगे तो तुम्हारे पास लक्ष्मी ठहरेगी नहीं। धर्म के काम में लक्ष्मी का अनादर कैसे बप्पा? दान पुण्य के काम की भी कोई सीमा होनी चाहिए कि नहीं? बनिए का बेटा अगर लक्ष्मी को अपनी अंटी में टांप के नहीं रखेगा, अंटी खोल देगा, तो बनिए किस बात का? हमारा दिमाग उतना सफेद नहीं है जैसा कि तुम मिनट मिनट पे हमको समझाते रहते हो। क्रिस्टोफर साहब ने यह कहा था। क्या कहा? कि लक्ष्मी को जितना टांप के रखोगे उसको उतनी ही घुटन होगी, और लक्ष्मी को जितना आड़े सीधे रास्ते से फैलाओगे माता उतने दिन तक प्रसन्न रहेगी, समझे? बहुत गर्मी है, आओ चलो अंदर आओ, लस्सी पियो, दिमाग ठंडा रहेगा, काम की बात समझ में आएगी। चाप! बस 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 आ गए भाई धर्मशाला। अम्मा क्या बात है अम्मा? हमने तो पहले ही कहा था हमें नहीं जाना तीरथ तीरथ, हम तो कुटिया की तुलसी में जल चढ़ा कर ही सुखी थे। हटो। ऐसी पुरवैया बह रही है कि मन करता है बैठ कर कोनो राग छेड़ दे। कि माथे पर खेती सेती का झमेला ना होता ना, यही घर बसा लेते। जय राम जी की, जय राम जी की। अभी तीरथ पर ही आए होंगे? नहीं, हम तुम्हारी अम्मा के ब्याह में आए। अजब आदमी है, तरीका है बात करने का ये? गनीमत समझो कि हम तुमसे मुंह से बात कर रहे हैं, ज्यादा कानून ठेलोगे तो हम लातों से लतियाएंगे, समझे? लौटो आगे से। अरे कहां का कि चिमरी? ए बाबू साहब जबान संभाल के, चिमरखी तक मत जाइए। हाँ अबे हटता है कि नहीं? ए फगुरवा, अरे पंडित हटाओ ना कचड़ा, क्या कुछ है, हटो। ए भैया भैया जा, जा जा काम कर, जा जाना दे इसको, जा चला। कौन है बे? अबे बुढ़ाऊ। बुढ़ाऊ कौन? मैं बुढ़ाऊ? अबे नीचे आकर तो देख, क्षत्रिय खून है हमारा। अंधे इंसान तू, वहीं खावे, अभी आकर देखता हूँ तुझे। आज खून से होली खेल देंगे। महाराज अपने गुस्से को ठंडा रखिए, क्यों छोटे लोगों से बोला आप? बहुत पंडित, प्रयाग तीरथ पे आयो, लोगों से बदतमीजी से बात करोगे ना तो पाप लगेगा। पर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके के लिए अपने मुंह से खींचल का सेंट भारे हो? ए बाबूजी इनसे उलझिए मत, इन पगलेट राजाओं कौन भरोसा, जाने छड़ी तलवार खींच रहे लोग। ए भैया तू काहे को आग में घी डाल रहा है? ओ, तभी तो, वो तो शक्ल देख के अंदाजा हो जाना चाहिए था कि किसी घसियारी की औलाद हो। लक्षण तो आपके भी अच्छे नहीं दिखाई पड़ते कीचड़ प्रसाद, पता नहीं जने किन घसियारों ने तुम्हें राजा बना दिया। जबरदस्त का तुम गए, इसे बाहर निकालोगे ना तो खामखा इज्जत खराब होगी, इसे घर में संभाल कर रखो,
नाती पोतों के आगे इसकी नुमाइश करना। बाबू जी हम कहे थे ना छड़ी से तलवार खींचेगा। भैया तो चुप रहना। सुन लिया राजा, अब अपने हथियार को अंदर रख लो। अब वैसे भी एक बात कान खोल करके सुन लो, हमारा बेटा भी कानपुर का बहुत बड़ा रईस है, सेठ मेवालाल, और तुम्हारे जैसे चार छह रोज आते हैं हमारी हवेली पर लाख दो लाख रुपए की उधारी लेने के लिए। चलो चलो आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। क्या हो राजा साहब, कहां मर गया था तू? छोड़ूंगा नहीं तुझे, तेरा हिसाब तो मैं करके जाऊंगा। अरे जाओ जाओ राजा साहब, संगम में जाकर के नहाओ, मन को थोड़ी सी शांति मिलेगी। बात बात पे गरम हो जाते हो, एक दिन फंसेंगे हम सब लोग। आइए। अपनी नहीं मेरी जिम्मेदारी तो पहचानिए दादा, बात पुलिस के कानों तक पहुंच जाती तो संगठन के सामने मैं कौन चेहरा लेकर जाती? जवाब क्यों नहीं देते आप? इस बार आने तो सामने दादा, उनसे आते ही कहूंगी कि किस तरह मेरी शिकायत करेंगे। सवाल संगठन के डिसिप्लिन का है दादा, जब आपको सख्त हिदायत दी जाती है। अब यहां मुझे कौन पहचानता है? आंख के सामने बस सलूकी और मैं यहां बैठा देखता रहूं। अब इतना भी डरने की क्या जरूरत है? मुझे मेरा काम करने दीजिए दादा। मास्टर दा। दत्ता बाबू आपने तो एकदम डरा ही दिया। जैसे ही फुर्सत मिली भागा आ रहा हूं। ये लो, ये खर्च के पैसे हैं। घाव की हालत कैसी है? भला चंगा हूं, आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे यहाँ बिठा रखा है। मास्टर दा आपके लिए कुछ दूध वगैरह ले आऊं? नहीं मैं भी चलूंगा। दत्ता बाबू आपने मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं, यहाँ बैठे बैठे तो हड्डियों में जंग लग जाएगी। तुम्हें यहाँ से हिलना नहीं है, पुलिस घर घर में तुम्हारी तलाशी ले रही है। उन्होंने तुम्हारा चेहरा देखा और अखबार में फोटो भी छपी है, रोशनी में निकलते हो तुम्हें ढेर कर देंगे लालच। दत्ता बाबू मैं पुलिस के डर से यहाँ मुंह छिपा कर बैठा रहूं और आप भीख लालाकर बीमारों की तरह मेरी देख रेख करें? दत्ता बाबू मैं यहाँ से भाग कर रातों रात कानपुर पहुंच जाऊंगा, किसी को खबर ना होगी। सोचिए अगर जल्दी ही कोई बड़ी डकैती न डाली गई तो संगठन के साथ ही जो थोड़े बहुत साथी बचे हैं ना वे भी बिखर जाएंगे। तुम अब वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, तुम्हारी इसी लापरवाही से फकीरी की जान गई है। अच्छा आपको अच्छा लगता अगर मैं बिना एक्शन कहरों की तरह भागा था? एक बेकसूर डॉक्टर को मारकर अच्छा एक्शन किया? और जहां तक उस चंडाल कमिश्नर मॉरिस की बात है, वो जिंदा है और तुम्हें खोज रहा है। उसने कलेक्ट्रेट में अखबार वालों के सामने कहा है कि वो जब तक तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ा देगा वो अपनी जेल के किसी भी पुराने कैदी को रिहा नहीं करेगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बचे रहे तो बहुत सारे काम करोगे। अच्छा मैं भी चलता हूं, और देखो जब तक अगला हुक्म नहीं आएगा तुम यहां से हिलोगे नहीं। तुम्हारे जो भी छोटे मोटे काम होंगे उसका जिम्मा जमुना उठाएगी। मजाल है कि फैजाबाद में कोई हमारे साथ ऐसा सलूक करता, उल्टा पेट से लटकवा देते उसे, उस रईस के जने का मांस चील कौवों को डालते। अब जाने भी दीजिए सरकार, आपके आगे उसकी हैसियत ही क्या है? अरे उसने हमारी हैसियत तो दो कौड़ी की नहीं रहने दी ना, पूरी जनता के सामने खुले आंगन में। अब बताओ काम मुंह लेकर बाहर निकले? मोटर की खिड़की पे पर्दे लगा देंगे सरकार। अगर किसी ने जबान खोली तो सौंटे मार मार के यहीं दम निकाल दूंगा। नालायक पाजी जब जरूरत पड़ी तो एक कुत्ता तक पेशाब नहीं कर रहा था और अब सब बोलने लगे। ए, चलो भागो, ऐसे देख नहीं रहे हुजूर कैसे बुखार में तप रहे, चलो भागो। ये सब क्रियाक्रम तुम्हारी कारस्थानी है पंडित, ना तुम इस चिमरे की जगह लाते ना हमारी मिट्टी भरी धोती। हुजूर ये सारा क्रियाक्रम आपकी प्रेम लीला का है ना, आप सिलवनिया को दिल देते हैं। ए पंडित हम फिर कह देते हैं सिलवनिया के खिलाफ अपनी जुबान मत खोलो, समझे? हम जवान कहां खोल रहे हैं सरकार, हम तो हकीकत बयान कर रहे हैं। इस कानपुर के झचुंदर रईस के हमने कीचड़ बयानी नहीं की तो हमारा नाम भी राजा पृथ्वीपाल सिंह नहीं, समझे? देखिए हुजूर पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, जब तक ये धर्म परिवर्तन का मामला ना सुलट जाए ना आप जितना गुप्त रहें उतना ही अच्छा है। ओहो
क्या बात है हुजूर, फागुन को बुलाएं, कुछ तेल मालिश। फागुन हुआ क्या कर लेगा पंडित, तो फिर किसी वैद्य हकीम को बुलाएं हुजूर। अरे कमल नयन, ये दर्द कौनो और दर्द है, हमें हमरी सिलवनिया की आस सता रही है। अरे पंडित, मिला तुम्हारा वो स्पेशल पंडा जो सिलवनिया को हिंदू बना सके? उसी के तो तलाश में लगे हुए हैं सरकार। अब यहाँ बैठकर क्या हमरी चरणों की धूली पी रहे, जाओ जाके कुटिया आश्रम खोजो, अरे जाओ। और सुनो, जाते जाते किसी पनिहारन को भेज देना, हमरे पैर बहुत दुख रहे हैं। आप भी कमाल करते हैं महाराज, ये धर्मशाला है। तो हम कौनो अधर्म की बात कर रहे हैं, जाओ जैसा कहते हैं वैसा करो, जाओ। जा 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 आ। अरे राजा होंगे अपने घर के होंगे, ये मतलब थोड़ी कि हमारे माथे पैर धर के बात करो। अब चुप भी करो, रजवासी का दिन गए राजा, क्या फटाके का जवाब दिया ससुरे को। कैसे कैसे पगलेट सिंहासन जा बैठते हैं। अरे भला उस आदमी का, वरना इस पगलेट की तलवार तो आज एक दो को घायल करके ही रहती। अब तो राजा वही जिसके घर पैसा होगा, रईस कंपनी कारखाने का मालिक। ये रह रहे के तुम ऐसी ऊंची बातें कह देती हो, का बताए, मन होता है तुम्हारा पैर धो के पी ले। भैया ने कितनी पोती पढ़ाई तुम्हें। इतनी सी बात तो हमारे घर में पानी खींचने वाला नगीना भी जानता था। हम निपड़ गवार तुम्हारे काबिल नहीं थे लक्ष्मी, जाने का सोच को तुम्हारा। अब हटाओ ये सब, भैया दो दिन के दौरे पे यही है, जाकर उनसे मिल क्यों नहीं आते। अकेले तुम नहीं चलोगी? धनी सी चाचा आए नहीं है, इस हाल में अम्मा को यहाँ अकेले छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं है मेरी, जाने क्या तमाशा हो जाए। बात क्या है, हमको भी कुछ नहीं बताती, खाना खाया? शाम को वही किस्सा, खाने के लिए पूछने गई तो आंख लाल पीले किए कहती हैं, तुम लोगों का हमसे मतलब क्या, ससोई पड़ी है। गणेशी चाचा अब तक नहीं है, कल जाकर तुम्हारे भैया से मिल ही आते, जबरा के मुंडन का भी हिसाब किताब देखना होगा ना। अनजान शहर है, ठौर ठिकाना खोज तो लोगे। अब इतना जाहिल ना समझो हमको। हम बत्ती बुझाए दो तो दुगड़ी हम भी सुस्ता ले। चलो चलो, तुम लोग तीन लोग यहां ठहरो, बाकी आओ। दत्ता आओ, दत्ता आओ, घर से बाहर निकल, दत्ता आओ। तुम्हारा आदमी कहाँ है, तुम्हारा आदमी कहाँ है, उसे घर से बाहर निकालो, अंदर जाओ। चलो मैं हूं सत्यव्रत, कहिए क्या सेवा। कौन कौन है घर में, कौन होगा? मैं, मेरी बीवी और हमारे दो बच्चे। और लालचंद दुबे को कहाँ छुपा रखा है तुमने? कौन लालचंद? जान की खैर चाहता है तो जल्दी बोल, हमारे पास समय नहीं है, समझा? अजय ये किस चीज को पूछे, बताते क्यों नहीं? ए, जल्दी बोल, जल्दी वक्त नहीं हमारे पास। मुझे नहीं मालूम आप किस लालचंद की बात कर रहे हैं। इसे थाने ले चलो, वही बताएगा कहाँ है लालचंद। हुजूर, हुजूर कुछ तो रहम करो, हमारे बच्चों का ख्याल करो हुजूर, हुजूर। किसी का घर उजाड़ने में हमें मजा आता है क्या? इन क्रांतिकारियों को घर नहीं बसाना चाहिए, हमें पार चढ़ता है भाई। ले चलो इसे थाने, सारी क्रांति वहीं निकल जाएगी, बैठ के तरकारी काटेगा। चल, नहीं, चल। ले चलो।